नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई में महिला सुरक्षा को लेकर जो है तीन संस्था जो है सामने आई है, महाराष्ट्र महिला परिषद, आवाज़-ए-निसा और स्त्री मुक्ति संगठन जो है। ये तीनों संस्था जो है महिला सुरक्षा को लेकर अब अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। और इस महिलाओं इन लोगों का कहना है कि जो मुंबई में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हो रही है, चाहे वो अंधेरे में हो रही है और कहीं ना कहीं जो है जो नशा करने वाले लोग हैं उन लोग भी महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ की वारदात करते हैं, जिसको लेकर अब इन महिला संगठन जो है जागरूक हो रही हैं। हम बात करते हैं जो महाराष्ट्र महिला परिषद के विभाग प्रमुख हैं मोहिनी मालवनकर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी संस्था और भी महिला सुरक्षा को लेकर जो है क्या क्या कदम उठा रही है। तो आप आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब जो 17 जनवरी को आप लोगों ने कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस किस चीज़ को मुद्दा बनाया गया है? हम लोग अभी 17 जनवरी को कार्यक्रम जो ले रहे हैं उसमें ये मुद्दे लेने वाले, जो महिला रेलवे से आने जाने का सफ़र करते उनका जो कहना है, जाने को तकलीफ होती है, लाइट नहीं रहता है रोड पे, वो लाइट का सुविधा होना चाहिए, बस सेवा होना चाहिए। मुमरा स्टेशन से तो सिलफाटा तक तो ज़्यादा बस का आना जाने का ये बढ़ना चाहिए शाम के टाइम। दोपहर में थोड़ा समझो कोई नहीं रहता, लेकिन शाम को डर लगता है। सुबह भी बच्चे लड़की लोग स्कूल में जाने वाले रहते, कॉलेज में जाने वाले रहते, तो ज़्यादा सुबह जाने का रहता तो अंधेरे में लड़की लोगों को भी डर लगता है, तो बस रहेगा तो अच्छा है। जो महिलाओं से बात की तो उसमें महिलाओं ने क्या बताया कि क्या क्या चीज़ की महिलाओं को तकलीफ होती है, जो गली मोहल्ले में लड़कियों का सामान लेना होता है जाना, और महिलाएं अगर पानी लेने जाती हैं तो किस तरह की उनके साथ जो है घटनाएं सामने आ रही हैं? आप लोगों ने जो महिलाओं से बात की, अभी तो आपने मेरे जो सहकारी है वो लोग ने आपको बताया कि गए 1.5-2 महीने से हर विभाग में जाके हर गली में लोगों का सामने उनका क्या प्रॉब्लम है उस बारे में उनको जाते आते हम क्या तकलीफ होती है वो जानने की कोशिश की। तो उसमें बहुत सारे मुद्दे अभी हमारे साथियों ने भी आपको बताया है, उसमें जैसे कि रिक्शा का अभी आपने एक मुद्दा लिया था कि शाम के टाइम पे बहुत सारा ट्रैफिक रहता है और बहुत सारे लोग रिक्शा वाले ऐसा बोलते हैं कि हम मतलब सिलफाटा में जो रहने वाले लोग हैं अगर वहाँ से उनको जाने के लिए अगर तकलीफ तो फिर वो बोलेंगे कि हम डायरेक्ट जाएंगे, हमें मतलब ये हम शहर पर नहीं चलेंगे। तो रात में आने वाली महिलाओं को ये दुविधा होती है, ये लोगों के बीच मतलब बोलने से वो आगे आएगा। उसके बाद में लोग मतलब जैसे स्कूल में कॉलेज में लोग लड़कियां जाती है तो वहाँ पे ऐसे जगह होती है कि जहाँ पे जो समझो खारड़ी वगैरह जो तंत्र निकेतन कॉलेज है वहाँ पे अगर बच्चे लोग आते जाते तो छेड़छाड़ी का ये होता है। तो उस तो वो लड़कियों का कहना है कि इस यहाँ पे मतलब पुलिस का अगर राउंड होता है तो थोड़ा सा एक प्रेशर बना रहता है कि लोग मतलब हाँ नहीं ये टाइम पे अगर यहाँ पे ये रहेगा तो वो सेफ्टी महसूस करेंगे लड़कियाँ, तो वो होना चाहिए, वो भी लोगों की बोलने में से आया है। आप लोगों ने जो महिलाओं के साथ बातचीत की है तो उसमें आप लोगों को महिलाओं ने क्या बताया कि किस तरह की महिलाओं को जो है तकलीफ़ हो रही है? आप लोगों ने जो यहाँ रेती बंदर से लेकर सिलफाटा तक का बातचीत की है तो उसमें क्या बात सामने आ रही है? हमने रेती बंदर से सिलफाटा ऐसा 40 मीटिंग हो गया हमारे, हम महाराष्ट्र महिला परिषद, आवाज़ निस्वा और श्री मुक्ति संगठन, ये तीनों मिल के हम ये काम किया है। तो उसमें लाइट का आया, लाइट के पोल नहीं है वो मुद्दा आया, बस नहीं, इधर मुंबई में ज़्यादा बस चाहिए, बस का वो बढ़ना चाहिए, 9 के बाद तो बस नहीं है मुंबई में, वो बढ़नी चाहिए, ऐसा महिलाओं ने उसका हमारे पास। तो मतलब सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के लोग रहते हैं जो अक्सर महिलाओं को टारगेट करते हैं या जो लड़कियां होती हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं, कुछ जानकारी आप लोगों को दी होगी ना? हाँ, चर्सी ये लोग ज़्यादा है मुंबई में, उस पर थोड़ा ये लगना चाहिए ना, कम होना चाहिए वो। लेकिन यहाँ मुंबई पुलिस का कहना है कि जो है अब नशा करने वाले लोगों को जो है मुंबई की गलियों से खत्म कर दिया गया है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि जो है नशा करने वालों से महिलाएं परेशान है और लड़कियां परेशान है। अभी हमारा गाँव देवी में मीटिंग हुआ, गाँव देवी में सब लोगों ने बोला वो पानी की टाके है ना, पानी की सम्राट नगर से पानी की टाकी है ना, उधर अकेली महिला जा नहीं सकती, डरती, उस पर कुछ पुलिस ने कुछ करना चाहिए ना।
40 मीटिंग ली, 20 मीटिंग में मैं कंपनी यानी गांव देवी करें, आपने 40 मीटिंग ली, तो 40 मीटिंग में आप लोग को किस तरह का सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं के खिलाफ जो खतरा महसूस हुआ इस मीटिंग के दौरान, क्या औरतों ने बताई? चरस, चरस नशे का हुई, तो आप नशे के लिए जो है मुंब्रा पुलिस से क्या कहेंगे? और इस जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप लोग 17 जनवरी को, तो इसमें आप पुलिस से क्या मदद की उम्मीद करते हैं? हमारा ऐसा कहना है कि इधर के एसीपी डीसीपी कार्यक्रम को आना चाहिए, हमारी महिला संगठन की बातें वो लोगों ने सुनना चाहिए, ऐसा हमारे संगठन का कहना है। रिक्शा यूनियन वाले को भी बुला रहे हैं कि उसके बारे में हमको तकलीफ होती है कि अभी हम लोग जो जो रात में जाते हैं, रात के 7-8 बजे के बाद बोलेगी ना महिला अमृत नगर जाने का है या उधर, नहीं 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 उधर नहीं जाने का है, वैसा हम लोग उधर नहीं जाएंगे, ऐसा मत करो। इसके लिए हम लोग यूनियन रिक्शा वालों को भी बुलाया है ये कार्यक्रम में, थोड़ा बहुत मसला होएगा तो बोलेंगे, महिला है तो महिला को छोड़ो ना, रात के टाइम है, अकेली महिला है, कोई है तो उसको छोड़ दो ना बराबर रिक्शा से जाके। तो जैसा कि आपने सुना कि जो ये महिलाएं हैं इनका कहना है कि जो 17 जनवरी को जो इनका कार्यक्रम होने वाला है उनमें ये लोग जो है शहर के तमाम जो जाने माने लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन है, जो महानगर पालिका के लोग हैं, उनको जो है इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है। और इनका साफ कहना है कि जो मुंब्रा स्टेशन से लेकर जो सील फाटा तक का जो ऑटो रिक्शा चलता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो महिला को अगर अकेले रहती है तो वो फिर शेयरिंग के तौर पर जो है रिक्शा ले जाने को राजी नहीं हो। तो स्ट्रीट लाइट का जो बता रही हैं महिलाएं कि जो कुछ एरिया ऐसे हैं मुंब्रा शहर में जहां स्ट्रीट लाइट नहीं है और ख़ास तौर पे वहां पर भी जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, और जो गांव देवी इलाका जो पानी की टांकी बताई जा रही वहां पर जो है नशा करने वाले लोग काफ़ी पैमाने पर बैठे रहते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है कि नशा करने वाले लोग वहां पर रहते हैं जिसकी, और पुलिस प्रशासन को जो है वहां पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, जबकि पुलिस स्टेशन वहां से चंद कदमों की दूरी पर है, उसके बावजूद भी वहां पर जो है नशा करने वाले लोग रहते हैं जिसकी वजह से गांव देवी की जो महिलाएं हैं वो जाने के लिए कहीं ना कहीं उनके दिल में डर लगाया रहता है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।